हाय राइज एंड शाइन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है आरजे राज, आप देख रहे हैं 1227th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात बी सॉर्टेड के साथ। सचिन जिगर का संगीत है और यशराज बैनर्स की एक बनी हुई फिल्म, फिल्म का नाम है मेरी प्यारी बिंदु। अब मैं फिल्म की कहानी तो नहीं सुनाने वाला, लेकिन एक फिल्म का एक गाना है जो बड़ा ही खूबसूरत गाना है। सचिन जिगर ने बहुत अच्छा संगीत दिया है, कौसर मुनीर के बोल हैं और वो बोल हैं कि माना कि हम यार नहीं, चलो ये तय है कि प्यार नहीं, फिर भी नजरें ना मिलाना क्योंकि दिल का एतबार नहीं। रिश्तों में एतबार जब नहीं होता, विश्वास नहीं होता, तब वो रिश्ते क्या रहने चाहिए, क्या वक्त आ गया है उन रिश्तों से निकलकर एक नए रिश्ते से जुड़ने का या फिर उन रिश्तों को सुधारने का। तीन अलग पहलू, चार अलग बातें, क्योंकि चौथी बात शायद आपको समझाए कि रिश्ते असलियत में क्या होते हैं। बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सेंट्रल इंडिया की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट सोनल फुके। मैम, मैम नमस्कार। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैम, रिश्तों की बात हो रही है और जब क्विट ये शब्द आता है रिश्तों के लिए, हम वो डिलेमा की बात कर रहे हैं ऑफ क्विटिंग इन अ रिलेशनशिप, सो मैम इसको किस तरह से देखा जाए? मुझे लगता है कि शुरुआत तो यहां से खैर होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यंगस्टर्स के लिए खासकर मुझे ऐसे लगता है कि ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि रेजिलियंस ये बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। रेजिलियंस, दूसरे को टॉलरेट करने का रेजिलियंस, या फिर कोई चीज अपने मन की नहीं हो रही है वो बर्दाश्त करने का रेजिलियंस, या फिर ये बात का रेजिलियंस कि अगर मेरे मन का कुछ नहीं होता है तो मैं इसको बेयर करके आई कैन स्टिल कंटिन्यू विद द रिलेशनशिप। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब हम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यू नो एक्चुअल टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो 10-15% हो सकते हैं, 10% हो सकते हैं, जो रिलेशनशिप्स अब्यूजिव होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, जिससे कुछ मतलब इंटरचेंज ऑफ एनी वैल्यूएबल चीज नहीं होती है उसमें, तो वैसे रिलेशंस की हम बात नहीं करेंगे आज। हम वो अधिकतर रिलेशंस की बात करेंगे जो 85% के ऊपर होते हैं, जिसमें अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते रहते हैं और उसकी वजह से, और वो दूरियां बढ़ते जाती हैं और उसकी वजह से कोई क्विट करने की जब सोचता है तो हम उन रिश्तों की बात करते हैं। पर मैम, हाउ डू वी गेट टू नो कि अब दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड ऑफ अ रिलेशनशिप, वो महसूस कब होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रिलेशनशिप पे काम तब करना चाहिए जब सब कुछ बहुत नॉर्मल है जी। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट उस पे काम करने का ये नहीं है कि जब आपको लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप थोड़ी सी डिस्टेंट होते जा रही है तब आप उस पे काम करें। एक मुझे बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली अपने साइकोलॉजी के लर्निंग में कि हमारे अंदर ना चार बड़े बड़े शैतान होते हैं। चार, ठीक है। और ये जो चार शैतान होते हैं वो हमको हमारे पार्टनर के साथ उतनी अच्छी दोस्ती नहीं करने देते। अच्छा। और जब ये चार शैतान अपना रेगुलर बेसिस पे जब सर बाहर निकालते जाते हैं तब ये दूरियां जो कपल में होती है वो बढ़ते जाती है जी। तो वो चार शैतान कौन है? तो द फर्स्ट इज अ डिमांडिंगनेस। डिमांडिंगनेस मतलब मेरी डिमांड्स जी। इसमें कैसे हम हर चीज जो बात करेंगे जी, वो हमारे खुद के पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे, मेरी डिमांड्स जी। ठीक है, मेरी डिमांड ये है कि वैलेंटाइन डे पे मुझे रोज मिलना तो चाहिए ही चाहिए, अगर मैं अच्छी रिलेशनशिप में हूं तो वो तो होना ही चाहिए जी। तो वहां पे बात रुकती नहीं है, अगर मुझे ऐसे नहीं किया, अगर मुझे फ्लावर्स नहीं लाके दिए तो इसका मतलब कि सामने वाले को मेरे लिए उतना नहीं लगता है, या फिर तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो ये तो तुमको करना ही पड़ेगा। तो ये जो चीज है डिमांड, ये सबसे बड़ा शैतान होता है हमारे अंदर। तो मोहब्बत दिल में रखना जरूरी नहीं, इजहार मोहब्बत जरूरी है, बहुत जरूरी है, मगर वो हम सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते रहते हैं ना, हमारे खुद के अंदर जो ये चीजों को हम पालते हैं, तो एक तो ये डिमांडिंगनेस है जी। दूसरा है शैतान फ्रस्ट्रेशन इनटॉलरेंस, मतलब हम अपने आप को बहुत रिपीटेडली ये बताते जाते हैं कि ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा। वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा,
और हमारे अंदर से हम अपने आप को ये बताते रहते कि इसने ये इस बार किया है कि ये लेट आने वाला था, इसने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया है, बहुत मुश्किल से मैंने ये टॉलरेट किया है, नेक्स्ट टाइम मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगी। तो हम क्या करते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन इनटॉलरेंस हम हमारा बढ़ाते जाते हैं और उसकी वजह से हम फ्रस्ट्रेट होते जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे अंदर के सैडनेस का जो रिलेशनशिप को लेके होता है। ये सेकेंड है शैतान। जो थर्ड शैतान है वो है कैटास्ट्रोफाइजिंग। कैटास्ट्रोफाइजिंग मतलब जो चीज जितनी बुरी है उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करना। सिंपल बात है, अगर एक मैरिड कपल है और अगर हस्बैंड फॉर एग्जांपल अपने माँ की किसी रीजन की वजह से साइड ले रहा है कोई आर्ग्यूमेंट में जी, तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन उसको ये ब्लो करना कि ये मेरे साथ कभी खड़े नहीं होते हैं जी, ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करना है चीजों को कि मतलब ऐसा है, मतलब बहुत ही बुरा है, मतलब हमारा तो कोई रिलेशनशिप को इनको वैल्यू ही नहीं है। ये जो हम अपने आप को ये बताते रहते हैं, सामने वाला हमको नहीं बताता, ये हम खुद ही अपने आप को बताते हैं कि इसने ऐसा किया मतलब इसको मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर इसने मुझे फोन करके नहीं बताया मतलब इसको मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरे टाइम की कोई कदर ही नहीं है, या मेरे ये जो ये तीसरा शैतान है जो हम अपने आप के अंदर पालते हैं जी। और चौथा है ऑल और नथिंग या ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, मतलब या तो कोई अच्छा है या तो कोई बुरा है, वो हमारे जो पुराने जो टीवी सीरियल्स दिस साइड और दैट साइड, या तो मेरा जो पार्टनर है वो लाइफ में विनर है या तो वो लूजर है जी, या तो वो बहुत ही लॉयल है या तो वो कम्प्लीटली डिसलॉयल है जी, या तो वो मतलब ये जो ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग जो होता है या ऑल और नथिंग जो थिंकिंग होता है जी, तो ये चार शैतान हमारे डिसकंटेंट और डिससेटिस्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बात ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको ऐसे लग रहा होगा कि आपकी सिचुएशन बहुत खराब है, आपकी रिलेशनशिप में कोई मजा नहीं है, बहुत मतलब वैसा कनेक्ट नहीं रहा, और ऐसा फेजेस ऐसे आते हैं रिलेशनशिप्स में। जब ऐसे फेजेस रिलेशनशिप्स में आते हैं तब आपको ऐसे लगता है कि छोड़ देते हैं बिकॉज आई एम नॉट ग्रोइंग इन द रिलेशनशिप जी, वहां मुझे ऐसे लगता है कि व्हेन दिस हैपेंस फर्स्ट थिंग इज लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। सेकेंड इज वी ऑल्सो हैव टू थिंक कि वही सिचुएशन में अगर मेरी दूसरी कोई फ्रेंड होती तो हो सकता है कि उसने इसको सस्टेन कर लिया होता, क्योंकि ये फेज जाने के बाद देन अगेन थिंग्स आर स्मूथ जी, तो वो जो ठीक करने वाली जो बात है उसके लिए रेजिलियंस लगता है, मेहनत करनी पड़ती है हमको, कभी कभी नहीं होती है चीजें अपने मन की, लेकिन हम जो चीजों को जिस पर्सपेक्टिव से देखते हैं आई थिंक दैट पर्सपेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा हो सकता है कि मेरा नजरिया वैसा है, वो चीज एक्चुअली इतनी बुरी नहीं है। लेकिन मैम अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का, आज तो बिल्कुल अलग मूड। तो मैम जब दिल टूटता है, जब हार्ट ब्रेक होता है, तो मैम इस हार्ट ब्रेक को किस तरह से लिया जाए, क्योंकि मैम आप तो जहां देखते हैं वहां पे आपको आपका पार्टनर दिखता है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में है। मैम लड़कियों का मुझे पता नहीं, बट लड़कों का जो हाल है वो वैसा ही रहता है ना। तो अगर लड़का दही भी खा रहा है तो मैम दही में भी उसको उसकी शक्ल दिखती है महबूबा की। आई एम सीरियस मैम, लड़की को शायद दही दिखती होगी। नहीं ऐसा नहीं होता है एक्चुअली, लड़कियां एट टाइम्स आर मोर इमोशनल, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्सप्रेशन अलग अलग होते हैं। बट मैम हार्ट ब्रेक जो होता है वो मैम पेनफुल होता है दोनों के लिए, ऐसा नहीं है, दोनों के लिए पेनफुल होता है, इसको किस तरह से देखा जाए। देखिए जब हमको रिलेशनशिप को एक बहुत स्टेबल जब हमको रखना चाहिए, कोई भी रिलेशनशिप को हम जब लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं जी, तो उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए जी। कंटिन्यूअसली जो इमोशंस का जो बहाव है वो अगर बहुत ज्यादा रहा तो इनस्टेबिलिटी मतलब एकदम एक्सिलरेशन या फिर एकदम ही मतलब अनस्टेबल और बिल्कुल बहुत ही ज्यादा डिसकंटेंटमेंट, डिजेक्टेड ये जो लगता है जी। तो ये स्टेबिलिटी थोड़ी सी होनी चाहिए। तो ये स्टेबल अगर रखना है तो अपने लिए एक पर्सनल बाउंड्री बनाना बहुत जरूरी है। पर्सनल बाउंड्री हम कैसे बनाते हैं कि हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि ये रिलेशनशिप मतलब एवरीथिंग इन माय लाइफ, मतलब दिस रिलेशनशिप इज माय लाइफ।
जी. हम जब इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी रिलेशनशिप पे, तब वहां पर इनस्टेबिलिटी आने का चांस ज्यादा होता है. इसके लिए एक बहुत अच्छी एनालॉजी है कि जैसे एक ग्लास भर के एक पानी का ग्लास है, ठीक है, उसमें आपके लाइफ के जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, वो एक एक प्रॉब्लम को आपने एक एक पेबल समझ के उसमें आप अगर डालते गए तो आप उसमें 5-6-7 प्रॉब्लम्स होंगे आपके लाइफ के, वो आपने वो ग्लास में डाले, फिर भी वो पानी क्लियर होता है. और वो पानी आप फिर भी किसी रीजन के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप प्लांट्स को पानी दे सकते हैं, आप थोड़ा हैंड वॉशिंग कर सकते हैं, या आप किसी चीज के लिए वो यूज कर सकते हैं जी. लेकिन एक प्रॉब्लम को अगर आपने इंक का ड्रॉप समझा जी, तो वो ग्लास में अगर 1-2 इंक के ड्रॉप्स आ गए तो वो पूरा का पूरा पानी ही बर्बाद हो जाता है जी. तो पानी को अगर हम हमारे लाइफ की तरह अगर समझे, और अगर वो पेबल्स जो है, वो कोई पेबल्स छोटे होते हैं, कोई पेबल्स बड़े होते हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ जो आपका कनेक्ट है, मे बी दैट इज अ बिग पेबल, मे बी, बट देन वी शुड ट्रीट इट एज अ पेबल एंड नॉट एज अ ड्रॉप ऑफ इंक, बिकॉज अ ड्रॉप ऑफ इंक विल स्पॉइल द होल ग्लास ऑफ वाटर. एंड मतलब ऐसा लगने लगेगा कि हमारा लाइफ ही पूरा खराब हो गया है. एब्सोल्युटली. इवन दो क्विटिंग शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, क्विटिंग के तरफ तो जाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, पहले ही उसको ठीक करना चाहिए. लेकिन अगर वो करना पड़ रहा है फॉर सम रीजंस विच आर यू नो विच आर रिक्वायर्ड, इट इज नेसेसरी टू क्विट, जब ऐसा हो जाता है तब उसको एक ड्रॉप ऑफ इंक की तरह नहीं देखते हुए अपने लाइफ का जो ये वाला एस्पेक्ट है जी. वो है प्रॉब्लमेटिक. तो उसका अगर हमने कॉग्निजेंस लिया कि वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में जी. लेकिन मेरी पूरी लाइफ वो प्रॉब्लम नहीं है. ये अगर पर्सपेक्टिव हम हमारे रिलेशनशिप के तरफ रखे तो हो सकता है काफी अच्छे चांसेस हैं कि आप अच्छे दिन भी देखेंगे उसी रिलेशनशिप में. अच्छे दिन आएंगे लेकिन मैम वो गुलजार साहब बोलते हैं ना कि नसीब नसीब की बात है, किसी ने नफरत देकर भी बहुत कुछ प्यार पा लिया, और कोई बेपना मोहब्बत करके भी अकेला रह गया. पहले तो मुझे ये बताओ कि ये सही में गुलजार ने बोला है? नहीं, गुलजार नहीं, गुलजार साहब ने बोला. अरे नहीं नहीं मैम, ये गुलजार साहब के बोले, उनका शेर है मैम ये. लेकिन मैम जब कब ऐसा मोमेंट आ जाता है जब यू नो आपको मालूम है यू आर गिविंग योर 100% बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फ्रॉम बोथ द साइड्स, एंड व्हेन यू शुड एक्चुअली से दिस वर्ड लेट्स क्विट. You should actually try everything and that trying should come from both the sides first. सबसे पहली बात तो professional help लेनी चाहिए, क्योंकि professional help जब आप लेते हैं तब आपको सामने वाले का perspective बहुत अच्छे से समझ में आता है. Main problem ये होता है कि आपको सामने वाले के जो deep rooted problems हैं वो problems तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो, उसकी वजह से तो आधे problems हैं. सो वेन यू टेक प्रोफेशनल हेल्प, वेन यू सी अ साइकोलॉजिस्ट, वेन यू सी अ थेरेपिस्ट, अ मैरिज काउंसलर, जब आप इनसे बात करते हो तो वो जूम आउट करके आपको पूरा पिक्चर अच्छे से समझा देते हैं. इसमें कंडीशंस ये हैं कि जो दोनों पार्टीज हैं दे शुड बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन यू नो मेकिंग दैट रिलेशनशिप वर्क. तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि व्हाई डिड वी फर्स्ट बिगिन द रिलेशनशिप. इफ यू टॉक अबाउट व्हाई यू वेर इन दैट रिलेशनशिप इन द फर्स्ट प्लेस, तब आपको ये लगेगा कि वो रीजन सफिशियंट है वो रिलेशनशिप कंटिन्यू करने के लिए, राइट? सो यू शुड ट्राई टू मेक इट वर्क, एंड फॉर दैट वन शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प. बिकॉज सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प, अभी द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड अबाउट आवर सोसाइटी इज दैट इसका स्टिग्मा थोड़ा सा कम हो गया है प्रोफेशनल हेल्प लेने का. सही बात है. बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू गेट टू सी ऑल साइड्स ऑफ द प्रॉब्लम. वरना आपको एक ही तरफ दिख रहा है प्रॉब्लम का, एक ही साइड आपको दिख रहा है, आपको बाकी के और कौन सा साइड दिख रहा है? अपना खुद का साइड दिख रहा है जी. दूसरे का साइड आपको लग रहा है, आपको दिख रहा है, मगर आपको वो उतने अच्छे से क्लियरिटी से नहीं दिख रहा है. तो इसमें थेरेपिस्ट बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, और
इन्वेस्टिंग इन दिस काइंड ऑफ अ थेरेपी कैन एक्चुअली यू नो सेव अ हाउस अ रिलेशनशिप एंड ब्यूटिफुल मोमेंट्स. बट देन मैम जिस तरह से आप एक पेड़ को एक यू नो एक बीज को आप पेड़ बनाते हैं यू नो पौधा बनाते हैं पौधे को आप पेड़ बनाते हैं मैम क्या रिश्तों को भी आप इस तरह से नर्चर कर सकते हैं कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वो यू नो जिंदगी भर चलता रहे एज स्मूथ एज. अगर आप रिलेशनशिप को नर्चर नहीं करेंगे तो वो नहीं चलेगी. इट इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. तो पेट्रोल भराना भी जरूरी है सर्विसिंग करना भी जरूरी है. जो हमने जो एग्जांपल लिया था ना इमोशनल बैंक अकाउंट का जी कि आपको वो आपका जो इमोशनल बैंक अकाउंट आपके पार्टनर के साथ जो आपका बन रहा है उसमें आप अपने तरफ से डिपॉजिट्स कर रहे हो या नहीं कर रहे हो या आप उसमें से सिर्फ विड्रॉल्स कर रहे हो. विड्रॉल्स करना बहुत आसान होता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना बहुत आसान होता है बट इफ यू वैल्यू दैट रिलेशनशिप इफ यू फील दैट यू नो दिस पर्सन इज मीन्स अ लॉट टू मी तो उसके लिए अगर मुझे थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ा जी तो उसमें कोई हर्ज नहीं करना ही चाहिए. बट मैम अ लॉट ऑफ मेन कंप्लेन अबाउट दिस दैट यू नो एवरी टाइम द डिपॉजिट्स आर मेड बाय द मैन एंड द वुमेन जस्ट यू नो नोज हाउ टू यूज द एटीएम. एग्जैक्टली द अदर वे अराउंड फॉर वुमेन दे से द सेम थिंग कि मैं जब कितने विमेन का ये कंप्लेंट होता है कि मैं तो बात करते रहती हूँ और इनका तो पता नहीं इनका ध्यान कहाँ होता है आधे से ज्यादा चीजें तो इन्होंने सुनी नहीं होती एक एक क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं इनका ध्यान ही नहीं होता है. तो ये जो लिसनिंग का जो प्रॉब्लम होता है तो दोनों तरफ से कंप्लेंट्स होती हैं. तो उसमें एक ही चीज है आइदर वन थिंग इज फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू एक्सेप्ट 100% ऑफ दैट पर्सन. जी अगर आपने ये कंडीशन डाला कि मेरी अच्छी रिलेशनशिप इनके साथ रहेगी लेकिन उन्होंने मेरे हिसाब से अगर सब चीजें की तो रहेंगी नहीं तो नहीं रहेगी ऐसे केस में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं. और इंडियन सोसाइटी में स्टिग्मा अभी बहुत कम होता जा रहा है रिलेशनशिप क्विटिंग के लिए जी. मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका बिल्कुल ही किसी के साथ नहीं जम रहा है फिर भी आप पूरी लाइफ अपनी स्पेंड कर दो. ये बहुत अच्छा चेंज आया है. लेकिन इसकी वजह से एक प्रॉब्लम ये आया है कि कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि कपल सफिशियंटली ट्राई नहीं करते अपनी रिलेशनशिप सस्टेन करने के लिए. वो रेजिलियंस कम पड़ता है उनको लगता है मैं क्यों एडजस्ट करूं मैं क्यों सहन करूं. लेकिन फिर जब ये रिलेशनशिप में से धीरे धीरे बाहर निकलते हैं इट इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस. उनको उस वक्त अंदाजा नहीं होता है जब वो ये डिसीजन लेते हैं क्विट करने का उनको उस वक्त ये अंदाजा नहीं होता है कि उनको आगे जाके इमोशनली और बाकी सारे बहुत सारे रीजंस हैं जिसमें उनको बहुत तकलीफ फेस करनी पड़ने वाली है. तो मैम कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. हार नहीं होनी चाहिए कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. ये वो 10-15% वाले कपल्स होते हैं जो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होती है. मतलब उसमें एक इज यू नो जस्ट सकिंग आउट ऑल द लाइफ एंड एनर्जी फ्रॉम द अदर पर्सन. जी that person could be you know an alcoholic you know an addict substance abuse होता है. उसमें verbal abuse होता है physical abuse होता है और वो जो women होती है they just keep continuing because of the social stigma because की मेरा क्या होगा आगे जाके life में मेरा dependence बहुत ज्यादा है खुद पे उतना confidence नहीं होता है उनको. या फिर it could be the other way around की exploiting the man of the house ये भी हो सकता है. या फिर even जो unmarried couples हैं जो couples एक steady relationship में है उनके लिए भी दोनों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो सबसे पहले they have to be honest and very truthful to themselves. Understand their own selves first and दूसरों के लिए करने की तैयारी होनी चाहिए एडजस्टमेंट करने की तैयारी होनी चाहिए. अपना फ्रस्ट्रेशन इनटॉलरेंस जो है वो कम करना चाहिए फ्रस्ट्रेशन इंडेक्स अपना बढ़ाना चाहिए. वो बहुत ही इलास्टिक होता है और कोई एक सिचुएशन है वो सिचुएशन मुझे जितनी प्रॉब्लमेटिक लग रही है उतनी प्रॉब्लमेटिक सामने वाले को शायद नहीं लगती है. तो एक्चुअल सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं होती हमारा जो नजरिया है वो सिचुएशन की तरफ देखने का वो बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो हो जाता है उसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो मैम आई थिंक जो पूरा इसका जो रस निकला है बात का वो निकला है कि कोशिश करनी चाहिए अपने रिश्तों को और अच्छा करने की और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और जिनका सिबिल है उनकी नई कार नहीं होती.
नॉट बैड टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन. मैम आपने अपना वक्त दिया, आपने दिस डिलेमा ऑफ यू नो क्विटिंग इन रिलेशनशिप के ऊपर में आई थिंक यू स्पोकन इट सो वेल मैम. आपने इतने सही तरीके से इसको डिस्क्राइब किया कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको देखने के बाद अगर कोई कपल एक ही सोफे पे दूर दूर बैठा है तो शायद वो करीब थोड़ा जरूर आ जाएगा. बिल्कुल आना चाहिए. आपने अपना वक्त दिया उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा. वर्थ है. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बी सॉर्टेड के एक और अध्याय में आज यू नो डिलेमा इन क्विटिंग रिलेशनशिप के ऊपर में बड़ी खूबसूरत बात हुई. मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये शो को शेयर भी करना चाहिए सभी दोस्तों को जो मैरिड हैं, और उनको भी शेयर करना चाहिए जो मैरिड नहीं भी हैं, क्योंकि वो आज नहीं तो कल रिश्तों में जरूर पड़ेंगे. और फिर कौसर मुनीर बराबर कहते हैं कि माना कि हम यार नहीं और तय है कि प्यार नहीं, लेकिन नजरों को थोड़ा कंट्रोल में रखना कहीं यू नो दिल का एतबार नहीं. लेकिन दिल का भले एतबार हो ना हो, रिश्तों में एतबार, विश्वास, भरोसा जरूरी है. और अगर इन रिश्तों में ये सब है, बस छोटी मोटी टिटबिट्स वाली झगड़े हैं, तो वो तो मिटाए जा सकते हैं. उसके लिए ये शो देखना जरूरी है. जिंदा रहें. जय हिंद.